केंदुआड़ी थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर की पहल पर गोधर कालीबस्ती में शनिवार को पुलिस पब्लिक प्रशासन की एक चौपाल लगाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंदुआड़ी थाना प्रभारी तथा संचालन उपेंद्र राम ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद उपस्थित थे। अंचल अधिकारी ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की एवं हर संभव जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर ने लोगों से अपील की कि आप सब व्यवस्था चलाने में पुलिस का सहयोग कीजिए, पुलिस हर संभव आपके सहयोग को तत्पर रहेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कालीबस्ती की महिलाओं, युवाओं एवं श्रमिकों ने भागीदारी की तथा अपनी अपनी समस्याएं रखीं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोजगार, पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता, शौचालय, आवास, प्रदूषण इत्यादि की समस्याओं को रखा गया। उल्लेखनीय है कि पूरी कालीबस्ती बीसीसीएल की भूमि पर बसी हुई है, जिसके कारण इन्हें बिजली, पानी, सड़क, आवास इत्यादि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के बीच बिस्किट और चॉकलेट का वितरण किया गया। संवाददाता वरुण वैद्य की रिपोर्ट है। परिवार के लोगों से परिवार के साथ बैठ करके मिले हैं, कुछ समस्याएं ये लोग अपना बताए हैं, कुछ हम अपनी बात बताए हैं। और एक क्वेश्चन जो सीओ साहब सर पूछ रहे थे, निश्चित रूप से काली बस्ती के लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करेंगे, इनका प्रतिशतता सबसे अधिक होगा। तब तक इस एक महीने में हम लोग इनके साथ कुछ और कार्यक्रम करके इसको और बेहतर ढंग से लागू करेंगे और बेहतर ढंग से हम लोग ये मतदान का प्रतिशतता यहाँ सबसे अधिक होगा, इस बात को हम आप लोगों को आश्वस्त करेंगे। गार को लेकर मूलभूत समस्या बहुत सी है, बात करेंगे उस पर, बात करेंगे हम उस पर अलग से बात करेंगे। आज जो है वो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए। आज इनके द्वारा बताई गई बहुत सारी चीज़ों पे हमने नोट डाउन किया है और हम लोग इस दिशा में एक जो है वो मिल के प्रयास करेंगे ताकि इनके जो भी इनका समस्याएं हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से और परमानेंट तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। जैसे कि मैंने इन्हें बताया, क्योंकि जो है वो हम लोग अभी जो है वो इलेक्शन के फेज में भी चल रहे हैं, जो है एमसीसी लगा हुआ है और जैसा कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जो भी था रूस, उसमें मेरा बस इनसे सबसे अपील भी है और हम लोग और भी चाहेंगे बीच में चुनाव से पहले आके इनसे ये करने का कि ये जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग सही तरीके से करें ताकि इससे भविष्य में इनको ही जो है वो फ़ायदा मिले, वो अपने हिसाब से अपने मुद्दों को रखने वाले जनप्रतिनिधि को जो है वो चुनकर यहाँ पे लाए ताकि इनके जो भी इनके परेशानियाँ हैं और जो भी चीज़ें हैं उसको वो बेहतर तरीके से सरकार के समक्ष भी रख सकें और जिससे एक मूल रूप से एक जो है वो प्रॉपर सॉल्यूशन इनके परेशानियों का ही मिले।